हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि वेबसाइट डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट है मेडिकल सर्विस के टॉपिक पर, इसको हम डिप्लॉय करेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये अभी लोकल होस्ट पर चल रही है। न्यू टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे नेट डिफाई। फिर आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास नेटिफाई की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसको काफ़ी डेवलपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेंशन भी है कि 4 मिलियन डेवलपर्स ने यूज़ की है, 35 मिलियन वेबसाइट जो डिप्लॉय हो चुकी है। तो आपने सबसे पहले इस पर साइन अप करना है। तो अगर आपके पास इन तीनों में से किसी पर भी अकाउंट हो तो वहाँ से साइन अप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ईमेल से साइन अप करेंगे। तो यहाँ ईमेल और पासवर्ड इंसर्ट करके साइन अप पर क्लिक। अब आपने ईमेल चेक करनी है। तो यहाँ पर नेटिफाई वालों ने वेरिफिकेशन के लिए अब आपने ईमेल चेक करनी है तो यहाँ पर नेटिफाई वालों ने वेरिफिकेशन के लिए मेल करी है, आपने वेरीफाई करना है। जैसे जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो ये डायरेक्ट नेटिफाई पर मूव हो जाएगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन होंगे, आपने उनके आंसर को सेलेक्ट करना है। जैसे जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं, नीचे ऑप्शन है स्कूल, पर्सनल, वर्क, क्लाइंट, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पर्सनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन क्वेश्चन है कि आप किसने के साइड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी पर्सनल साइड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हर क्वेश्चन में मैं फ्रीलांसर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लास्ट में आप टीम का नाम इंसर्ट कर देंगे। जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ टेक जाइंट्स, फिर कंटिन्यू टू डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन हैं, मीटअप से भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जहाँ भी आपके पास वेबसाइट का फोल्डर हो, ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ वेबसाइट होस्ट हो गई है। तो इस तरह आप जितनी भी वेबसाइट होस्ट करेंगे तो यहाँ ऐड हो जाएंगी। तो आप क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट का लिंक शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट गूगल पर होस्ट हो चुकी है और आप इसका यूआरएल भी चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको यूआरएल अभी चेंज करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ हमारी पूरी वेबसाइट बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। तो नेटलीफाई को यूज़ करके आप अपने क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर सकते हो। तो अब हम URL चेंज करते हैं, साइट कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे।
तो आपके पास सारी डिटेल्स हो जाएगी। तो आप चेंज साइट नेम पर क्लिक करके नेम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा करंट URL है। जो हमने होस्ट करा है, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ और हमारी वेबसाइट का नाम था मेडिकल सर्विस, तो ही टाइप कर देते हैं और सेव पर क्लिक। तो ये नेम पहले से जितने यूज़ करा हुआ है, तो आगे हम बेस्ट लगा देते हैं। अब सेव करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अब सेव करेंगे तो हमारा नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब जो हमारा ओल्ड URL था उसको रिफ्रेश करेंगे तो एक एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि ये URL नॉट फाउंड है। अब हम अपना न्यू URL टाइप करते हैं, डैश मेडिकल सर्विस डॉट नासिका डॉट एप, और इंटर करेंगे। यहाँ पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी और बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगी। डेली पैकेट डैशबोर्ड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर 100 GB तक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तकरीबन आप 100+ वेबसाइट इजीली होस्ट कर सकते हैं। और अगर सेकेंड वेबसाइट होस्ट करनी हो तो ऐड टू न्यू साइट पर क्लिक करेंगे और फिर ट्राई मैन्युअली पर क्लिक करेंगे। तो जहाँ भी आपका फोल्डर हो ब्रेक इन टॉप करेंगे जैसे हमने पहले करा था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।